बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकफास्ट मोस्टली लोग स्किप कर देते हैं या स्किप हो जाता है स्ट्रेस की वजह से या चीज़ें पास नहीं हैं। ब्रेकफास्ट रेगुलर अगर स्किप हो जाए तो फिर ये है कि ना ही तो अच्छे घर के काम हो सकते हैं, ना अच्छी जॉब हो सकती है, ना स्टडी। ऑमलेट में है कैप्सिकम, मशरूम और हल्दी, नमक और ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून मैंने मिल्क ऐड किया है। स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं, जब खाने का टाइम है तब ही फ़ौरन ये चीज़ें मिक्स हों। अगर थोड़ी देर बना के रख दिया जाए तो ऑमलेट बहुत पतला बनेगा, और हाई हीट पे ऐसे जल्दी से इसको रेडी करना है कि जो सारी वेजेस हैं वो क्रंची रहें। और मशरूम बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ओवरऑल हेल्थ में, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या ओवरवेट होता है तो कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। रेगुलर इसको 3-6 मंथ्स अगर बॉडी में यूज़ किया जाए तो बहुत इसमें फ़र्क आता है। और मॉर्निंग में ऐसे ज़्यादा कुक भी नहीं हो रहा, मतलब कि ऐसे हमारा मसाले वाली कोई फूड नहीं है, तो ये ऐसे जल्दी से बना के तो वेजेस जो हैं 7-8 घंटे बाद जब सो के उठते हैं फिर उसके बाद हम खाते हैं तो बॉडी पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा असर करती हैं। इसके साथ है स्मूथी ब्लूबेरी और बनाना की, इसमें हनी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही। तो ये है कि मैंने बनाना ही इसमें लिया है, एक बनाना। ब्लूबेरी फ्रोज़न है तो ये है कि इसको फिर बिल्कुल ही टाइम पे बनाना है कि थोड़ी थिक सी स्मूथी बन जाए। साइड पे कोई भी फ्रूट इसमें ऐड हो सकता है, पाइनएप्पल या एप्पल्स, लेकिन पाइनएप्पल का जो फ्लेवर है विटामिन सी है और डाइजेस्ट फूड करता है, तो पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, स्पेशली जब मशरूम खाए जाएँ, एग खाया जाए तो पाइनएप्पल बहुत अच्छा एक असर डालता है। आइस के बगैर मैंने स्मूथी बनाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।